खबर दिल्ली से है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने मांगी है माफी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से माफी मांगी है। 2017 में कपिल मिश्रा ने सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाए थे। सीएम केजरीवाल को 2 करोड़ नकद देने के आरोप थे। सत्येंद्र जैन पर सीएम को 2 करोड़ देने के आरोप लगाए थे। सत्येंद्र जैन ने कपिल मिश्रा पर मानहानि का मुकदमा किया था और अब माफी मांग रहे कपिल मिश्रा। उनके आरोप राजनीति से प्रेरित थे, वो ये भी कह रहे हैं और इसी को लेकर माफी मांग लिया। खुद जानकारी सत्येंद्र जैन ने दी है, कपिल मिश्रा के आरोप झूठे थे। कपिल मिश्रा सोशल मीडिया के जरिए भी माफी मांगेंगे। कपिल मिश्रा जी को अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल से निकाला गया तो उसके तुरंत बाद उन्होंने बहुत ही भद्दे और आपत्तिजनक आरोप लगाए थे और कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी को 2 करोड़ रुपये दिए हैं और कपिल मिश्रा ने उसके सामने देते हुए देखा है। इतने आपत्तिजनक आरोप थे, इतने घिनौने आरोप थे जिसकी वजह से मैं बहुत आहत हुआ और जब उससे हमारी पार्टी के लोगों ने पूछा कि भाई आप बताइए किस टाइम गए थे, कब गए थे, तो ऐसे भी केस हुए कि वो बेहोश तो हुए परंतु उन्हें बताया कुछ नहीं क्योंकि कभी गए ही नहीं थे। इसलिए मैंने कपिल मिश्रा के खिलाफ क्रिमिनल केस कोर्ट में किया सजा दिलाने के लिए। कल कपिल मिश्रा ने लिखित में कोर्ट के सामने माफ़ी मांगी जब उनको लगा कि वो प्रूव करने की बारी आ रही है क्योंकि ये केस बिल्कुल झूठा था, तो उन्होंने लिखित में माफ़ी मांगी और कहा कि ये केस पॉलिटिकली मोटिवेट थे, जो उन्होंने आरोप लगाए थे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, झूठे थे, गलत थे और उन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी। ये 3 बातें लगातार कहते थे, ना मैं कभी पार्टी छोड़ूंगा, ना मैं कभी भाजपा में जाऊंगा, ना ये मुझे कभी आम आदमी पार्टी से निकाल सकते हैं और मैं असली आम आदमी पार्टी हूं। और हम 2017 से ये बात कह रहे थे कि ये बीजेपी के लगाए हुए भड़काए हुए आदमी हैं, बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं और अंततः बीजेपी में इनका विलय होगा। और आप देखते होंगे कि इन्होंने जो आरोप लगाए वो इतने बचकाने और मनगढ़ंत थे कि इन्होंने कहा मई 2017 में इनके सामने एक मंत्री ने मुख्यमंत्री को 2 करोड़ रुपए की नकद रिश्वत दी। आप समझ सकते हैं 2 करोड़ रुपए का मतलब एक अच्छा बड़ा बैग रहा होगा, एक अच्छी बड़ी सूटकेस रही होगी। मुख्यमंत्री आवास में 24 घंटे सीसीटीवी चलते हैं, गेट से लेकर अंदर तक सीसीटीवी लगे होते हैं, दिल्ली पुलिस का पहरा होता है, कोई भी आदमी अंदर जाता है क्या लेके जाता है वो सब सीसीटीवी कैमरा के अंदर आता है। इन्होंने बताया कि 5 मई को इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। हम सिर्फ एक बात कह रहे थे इनकी झूठ को साबित करने के लिए, सिर्फ एक बात, हम कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ ये कह रहे थे तुम 5 मई को कितने बजे मुख्यमंत्री से मिलने आए ये बता दो बस।